शिक्षा विभाग में 38 सालों तक सेवाएं देने के बाद वर्ष 2011 में रिटायर हुए शिक्षक पिछले 8 सालों से अपनी पेंशन शुरू कराने को लेकर परेशान हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सीएम हेल्पलाइन, जिलाधिकारी को पत्र लिख लिख कर एक मोटा गठन उनके पास तैयार हो गया, लेकिन समस्या है कि अब तक हल नहीं हो सकी। थक हार कर उन्होंने एक ऐसा पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि या तो उनकी पेंशन की समस्या हल हो या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। विदिशा ब्लॉक के हसुआ संकुल केंद्र में पढ़ाने वाले शिक्षक प्रेम अगस्त 2011 में रिटायर हुए थे। एक साल तक उन्हें 75% पेंशन मिलती रही और ग्रेविटी पीएफ आदि की राशि मिलने के बाद की पेंशन बंद कर दी गई। वर्ष 2012 से लेकर अब तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो सकी। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी पेंशन का फॉर्म भरा था जिसे अधिकारियों ने रिश्वत न देने के कारण खो दिया और अब वे अपने आदर्शों के चलते दूसरा फॉर्म नहीं भरना चाहते। शिक्षक आज भी अपने टूटे फूटे घर में जीवन गुजारने को मजबूर है। शिक्षा विभाग विदिशा और संस्था मेरी बरखेड़ा कछवा और संकुल केंद्र उमावी हासुआ। रिटायर्ड कब हुए थे? 1 अगस्त 2011 पेंशन मैं इनके लिए 12 के आखिरी में इनके लिए मैं पेंशन प्रकरण फॉर्म दे चुका था और इसके बाद इससे पहले क्या कहते हैं इन्होंने GPF, GIS और आपका एरियर और सातवें वेतनमान का एरियर और इसके बाद लीव सरेंडर ऐसे 4-5 मत थे यानी उन्होंने करीब करीब 6 कुछ यानी लगभग 7 लाख करीब इन्होंने मेरा क्लेम निकाला। इसकी मैंने सेवा शुल्क से उनकी सेवा नहीं करी। जब सेवा नहीं करी तो इसके बाद में जब पेंशन फाइनल वाली बात आई तो मैं फॉर्म देने जब गया तो इन्होंने कह दिया यानी आप कोई वो नहीं करते, सेवा युवा नहीं करते, हम आपको केस नहीं कर रहे। मैं विवश था, मैंने उनके लिए फॉर्म दे दिया। कौन लोग हैं, नाम बताएं? आर के जैन और वी के तिवारी। क्या थे उस टाइम, कहाँ पे थे? वे उमा भी हाथ हुआ प्राचार्य थे आर के जैन और वी के तिवारी अकाउंटेंट गणक थे। उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया रही? अभी 8 साल हो गए हैं, आपको पेंशन शुरू हो पाई नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। अब आवेदन तो मैंने हर जगह दिए, अब ये आप पूछ लीजिए कहाँ आवेदन नहीं दिए। आगे क्या कदम आप चाह रहे हैं, क्या उठाना चाह रहे हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इनके लिए पेंशन प्रकरण फॉर्म दे चुका था, अब फर्जीवाड़े के लिए चूंकि विभाग चर्चित है इसलिए मैं उनके लिए दूसरा पेंशन प्रकरण फॉर्म में नहीं दे सकता। फिर ऐसी परिस्थिति में पेंशन कैसे शुरू हो पाई, फिर क्या करेंगे, क्या कदम होगा आपका? हाथ जोड़ के विनंती है मुझे आत्महत्या की परमिशन दे दीजिए। जब मैं दे चुका हूँ फिर वो मेरा पेंशन प्रकरण फॉर्म गया कहाँ? मामले में अधिकारियों का कहना है कि हमने अपने स्तर पर उनसे संपर्क किया लेकिन ना तो वो कार्यालय आना चाहते हैं और ना ही दूसरे फॉर्म भरना चाहते हैं, जबकि उनके पास पहले फॉर्म की ना तो कोई पावती है और ना ही कोई अन्य दस्तावेज, फिर भी अपने स्तर पर उनकी समस्या हल करने के उद्देश्य से गठित कर भेजेंगे। पेंशन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पेंशन फॉर्म जमा करना संबंधित कर्मचारी द्वारा। जब मुझे जानकारी मिली, जब मैं यहाँ आया और ये पता चला कि इनकी पेंशन नहीं बनी है, तो लोगों ने, हमारे स्टाफ के लोगों ने बताया कि वो पेंशन फॉर्म में दस्तखत नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे पहले तत्कालीन डीओ थे नेमा जी, मुदगिल जी, ये सभी लोग उनसे संपर्क किए लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया। मैंने उनका दूरभाष लेके जब उनसे बात की, उनसे मैंने आग्रह किया कि आप इसमें हस्ताक्षर कर दें तो आपकी पेंशन हम बनवा दें, तो उन्होंने कहा कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। मैंने जब उनसे पूछा कि आप हस्ताक्षर क्यों नहीं करेंगे, आपको शासन के द्वारा जो सेवाएं आपने दिया है शासन को उसके बदले में ये पेंशन महत्वपूर्ण उपलब्धि शासन देता है तो आप भर देंगे तो आपकी पेंशन हम एज एल डी एज पॉसिबल आपको दे देंगे, तो आपके सारे एरियर्स भी हम करवा देंगे, आपके घर भी हम आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे घर मत आइएगा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर आए। बहरहाल देखना होगा कि सालों से पेंशन के आस में जी रहे रिटायर्ड शिक्षक की परेशानियों का हल कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, विदिशा।